हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं एक मेरे दोस्त बोलिए या कॉलर बोलिए या तो फिर मेरे जो भी है क्लाइंट बोलिए, वो उन्होंने फ़ोन किया था भरूच गुजरात से। उनका कुछ प्रॉब्लम, मेरा वीडियो देखे थे वो, लेकिन उनका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं बोल रहे, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उनका लेटर उड़ जा रहा है, कभी कोई स्टैम्प अच्छे बनते हैं, कोई ख़राब बन रहे। तो आज मैंने उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ कि उनको ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो आज मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। आप वीडियो पे बने रहें और पूरा देखें और मैं आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हो रहा था और उसके लिए क्या करना है अपने को। फर्स्ट तो क्या करना है, देखिए हम अपने DTP किया है उसको रिवर्स में प्रिंट लेना है। DTP तो सबको आती है, उसको रिवर्स करके हमने प्रिंट लिया ट्रेसिंग पेपर पर, जिसको आप बटर पेपर भी बोलते हैं। ये देखिए बटर पेपर है, इस पर इसको प्रिंट ले लिया, देखा आपने, नॉर्मल प्रिंट है, जो लेजर प्रिंटर है उससे प्रिंट लिया और ब्लैक डार्क, अभी देखिए कुछ भी डार्क नहीं है यहाँ, मैं यही दिखाने जा रहा हूँ आपको। इसको समझना है आपको, मेन गेम कहाँ पे है, क्या होता है, भरता क्यों है और उड़ता क्यों है, डॉट जो है उड़ जाते हैं। अभी देखो आप ऐसा दिख रहा है, डेंसिटी नहीं है इसमें। अभी अपने को क्या करना है, ये इस पर इन्हांसर मारना है, जो आपको पहले भी वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, ये जो है प्रिंट इन्हांसर, जिससे वो डार्क होता है, ब्लैक होता है, आपको उससे ही ये होगा कि डार्क आएगा। ये अपने को ध्यान देना है, इसके ऊपर ही पूरा गेम रहता है। अभी अपन इसको ऐसा एक इसमें बोतल में भर लेने का, और बोतल में भर के ये आगे ये लगा हुआ बोतल मिल जाता है कहीं भी, आप देखेंगे ना कोई भी स्टेशनरी जेरोक्स में आपको मिलेगा, वैसा इस पर स्प्रे मारा, स्प्रे टाइप का। स्प्रे मारने के बाद ना इसको हल्का सा फैन के नीचे रखना है, तो 10 to 20 सेकेंड फैन ऑन करना है, इसको यहाँ रखना है। इससे क्या होगा कि वो ये तुरंत सूख जाता है, तुरंत सेकंड में सूखता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका, सेकंड में ही सूख जाता है पूरा, ये देखिए सूख गया, ठीक है। अभी हम फैन बंद किए, अभी आप देखो फ्रेंड, अभी आपने देखा, अभी देखो इसको कितना डार्क हो गया, पहले से कितना फ़र्क हो गया, ठीक है। अभी इसका पूरा डार्क आ गया, अभी जो है ना ये भरने का टेंशन ख़त्म हो गया। तो आप प्रिंट लेके, अब ध्यान से देखा आपने, प्रिंट लिया लेजर पेपर, ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं इसको, बटर पेपर भी बोलते हैं। प्रिंट मारा था, अभी ये पूरा ये था, वाइट दिख रहा था। जब भी हमने इन्हांसर उस पर मारा, ये स्प्रे मारा उसको, जो इसका बोतल आपको दिखाया था, पहले टेक्नोवा का बूस्टर आता था, अभी ये आ रहा है। अभी उसको देखो कितना अच्छा क्वालिटी आया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मशीन पे, मशीन पे कैसे क्या करते हैं। ये आप ये देखो, इसको कट कर लिया, और इसके आगे का तो आपको मालूम ही है, दूसरे वीडियो में मेरा है वो सब। आज मैं सिर्फ क्या दिखाने जा रहा हूँ कि किसी का भर जाता है और किसी का डीप नहीं आता और किसी का लेटर उड़ रहा है, मेरा मेन उस पर ही है कि आपका लेटर क्यों उड़ रहा है, उससे कैसे रोका जाता है, जाना चाहिए, और भर रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आज मैं वो दोनों पे ही वीडियो मेन बना रहा हूँ, बाकी वीडियो तो मेरा पूरा है ऑलरेडी 16 मिनट का, वो आप देख लीजिए स्टैम बनाने का। आज मैं सिर्फ उस पे ही काम कर रहा हूँ, आपको समझना है कि वो कैसे रोका जाए उसको, जो भर जा रहा है साइड में, पैच आ रहा है, और जो डीप कम आ रहा है, या किसी का सबसे ज़्यादा कंप्लेंट अभी आ रहा है उड़ने का। कई लोगों ने मुझे बोला कि उनका लेटर ही उड़ जाता है, तो उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या करना है अपने को। इधर पानी डाला हल्का सा, मेन जो आपको ये करना है कि पानी ज़्यादा नहीं डालना है। अगर वो ट्रेसिंग पे पानी आया, अगर ये पानी से टच हो गया आपका बटर पेपर पे, तो स्टैम्प खराब हो जाएगा वहाँ का स्टैम्प। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पानी आपको बटर पेपर से टच ना करे, ये पूरी तरह से ख्याल रखना है। ये देखो हाँ, ऐसा फिट हो गया, कुछ नहीं, एकदम ईजी है, आप कर सकते हो। आप सिर्फ ध्यान दे के पूरा जो इसमें ये है ना, पानी को टच नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना आपको कि कहीं पानी इस पर आ ना जाए। पानी अगर आ गया तो फिर से आपको दोबारा प्रिंट मारना है, नहीं तो ये चलने वाला नहीं है। अगर आप इसको बना भी दिया तो आपको स्टैम्प खराब हो जाएगी, प्लेन नहीं आएगा, कहीं खड्डा और कहीं ये आएगा, वो आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि जैसे आपको लगे कि पानी टच हुआ है ट्रेसिंग पे, आप फिर से प्रिंट मार के
और फिर से जिलेटिन रोल का पेपर, जिलेटिन पेपर लेकर उसको फिर से ऐसा कर लो। ये देखो फ्रेंड, इजी है, एकदम इजी। आज मैं सिर्फ आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि आपका डीप कैसे आएगा और जो डॉट टूट रहा है उसके लिए क्या करना है, वो आपको, उसके लिए आप वीडियो में बने रहे, ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, आप समझ जाएंगे किसको ट्रेनिंग लेने का आपको ज़रूरत ही नहीं है। और ये वीडियो मैं उस दोस्त के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मुझे बताया है कि उनका ऐसा प्रॉब्लम है, वो गुजरात से मुझसे मिलने आने वाले थे। मैंने बोला सर आप रुको, मैं बना देता हूँ, आप देख के बना लो, हो जाएगा। उनको किसी ने मशीन दिया और ट्रेनिंग नहीं दे रहे बराबर। मैं सर को बोला है कि हो जाएगा आपका काम। ये देखिए, ये हो गया, बस इजी है एकदम, ये हो गया। आपको पूरा दिखाया मैंने कैसे कैसे मैंने किया है, इसको कहीं भी एडिट नहीं किया है मैंने, मैंने कट करके पाउच किया है, पूरा आपको दिखाया है ए टू जेड हमने क्या क्या किया और आपको क्या करना है। अभी मेन गेम है, अभी देखो इसमें दो तरह का आते हैं, एक तो पतला आएगा और एक जाड़ा आएगा, ये आपको ध्यान देना है, इसके ऊपर ही सब है, अपना उड़ता क्यों है कभी और कभी भर क्यों जाता है। इसमें दो तरह का बॉर्डर पट्टी आता है, एक तो जाड़ा आता है, एक रहेगा जाड़ा इसका थिकनेस ज़्यादा रहेगा और एक रहेगा पतला। तो अपन क्या वो देखते नहीं है कि वो पतला डाला कि जाड़ा, उसके ऊपर टाइम देना है कि हमने जाड़ा डाला है कि पतला डाला है। अगर वो आप समझ गए तो ना तो कभी आपका स्टैम्प भरेगा और ना तो कभी स्टैम्प आपका उड़ेगा, कि ये जो आपका बॉर्डर पट्टी है उसके अनुसार है। अभी आप समझो कि उड़ता क्यों है, कोई भी स्टैम्प उड़ता क्यों है, क्योंकि उसको टाइमिंग पर कम हुआ और लिक्विड ज़्यादा है। अगर अपने को उड़ने से बचाना है तो टाइमिंग बढ़ाना है और लिक्विड कम होना चाहिए। और अगर आपका भर रहा है मतलब टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है और लिक्विड कम है। आप ध्यान से समझो आपका उड़ता क्यों है और भरता क्यों है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मेन टारगेट वही है, स्टैम्प अच्छा कैसे बने, उसके लिए क्या करना है। बॉर्डर पट्टी देखा, अगर थिकनेस है, ये जाड़ा है थोड़ा, तो आपको टाइम बढ़ाना है। अगर ये पतला है तो टाइम कम करना है। अभी देखो हमारा पतला ही है तो हमने क्या किया, लिक्विड डाला, ये अपने आप इसको फैलने देने का। टाइम नहीं है तो फैला सकते आप, जल्दी जल्दी में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो खुद से इसको फैलने देने का, अपने आप ही फैलता है। और टाइम सबका अलग अलग होएगा, समझो आपने कोई टाइम दिया जो भी मैंने बताया था 6 सेकंड या 12 सेकंड, कोई 15 सेकंड और 20 सेकंड दे रहे, तो अगर आपका लेटर उड़ रहा है तो आपकी जो मशीन है उसमें क्या करना है, टाइम बढ़ा देना है। समझो आप 15 और 10 और 100 अपने टाइम दे रहे, आपका लेटर उड़ रहा है, तो आप क्या करो 12 या 15 कर दो, 15 130 कर दो। और अगर आप 15 130 दिए और लेटर भर रहा है, पूरा भर गया, आप टाइम डीप कम आ रहा है, तो आप घटा दो 12 और 120 कर दो। ये मेन है, टाइम आपका मशीन के अनुसार बढ़ा देना है। आप एक लॉट निकाले, चेक करना है आपको कि उसमें क्या करें कि हमारा क्या हुआ। अगर समझो कि एक लॉट डाला आपने 10 और 100 का टाइम दिया, पहला 10 दिया दूसरा 100 दिया और आपका क्या हुआ, वो लेटर उड़ गया, तभी आपको क्या करना है 12, 14 या 15 देना है फर्स्ट टाइम, और दूसरा 130 दिया, 15 130 दे दिया। समझो एक 15 130 पे एक्सीडेंट निकल गया तब तो डन। अगर समझो एक्सीडेंट नहीं निकला तो आपको क्या करना है, टाइम घटा देना है 12 120। तो न तो आपको उड़ेगा न तो आपका भरेगा, 100% निकलना है। तो फर्स्ट एक दो लॉट खराब होगा आपका, तो आपके मशीन के अनुसार सेट करना है। किसी से टाइम आप पूछेंगे क्या टाइम है, वो बोला 10x15, मेरा फिलिप्स का ट्यूब है, मैंने आपको बड़ा मशीन के अनुसार टाइम दे दिया, आप उसी टाइम को देंगे, आपका मशीन आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो आप निकालो जनरल जो भी है 10 से 15 का ही रहता है, अभी मेरा 6 सेकंड है और 70 देता हूँ मैं, तो ये आप टाइम मत देना, आप अपने मशीन के अनुसार 10 150 10 140 जो भी आप दे रहे हैं ना। और अगर जो बस ध्यान क्या रखना है, अगर लेटर उड़ रहा है टाइम बढ़ा दो, पहला 5 सेकंड बढ़ा दो, दूसरा आप कम से कम 20-30 सेकंड बढ़ा दो। अगर लेटर भर रहा है डीप कम आ रहा है तो टाइम घटा दो, दोनों पहला वाला और दूसरा दोनों, बस बस इतना ही गेम है और कुछ भी नहीं है। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, ये देखिए ये निकला, ये इसमें कैसा है, प्रॉपर डीप है, क्योंकि टाइमिंग आप तो समझ गए आप। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है
कि डीप में प्रॉब्लम आ रहा है, स्टैम्प भर रहा है, तो आप बताओ क्या टाइम दे रहे हो, तो क्या हो रहा है वो बताओ, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा। उस टाइम से आपका ना तो स्टैम्प भर रहा है तो भरना बंद हो जाएगा, अगर लेटर उड़ रहा है तो उड़ना बंद हो जाएगा। आप कमेंट करो, मैं आपको कमेंट पे जवाब दूंगा। फ़ोन करो तो मैं फ़ोन पे जवाब दूंगा, मेरा नंबर है वहाँ पे, एड्रेस है, आप विजिट करो, मैं आपको यहाँ ऑफलाइन ट्रेनिंग भी दूंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।